नोडल अफसर स्वीप बशिंबर दास की क्यादत में तहसील मैंडर में आज एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। यहां पर स्वीप टीम की जानिब से तहसील इंतज़ामिया मैंडर की मौजूदगी में एक रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों और दिगर रैली के शुरका ने अवाम को वोट की अहमियत के मुतल्लिक अवेयर किया। स्वीप के तहत मुख्तलिफ मकामात पर इन दिनों रैलीज निकाली जा रही हैं, अवेयरनेस कैंप चलाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले के पेश नज़र मैंडर तहसील में भी ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जहां पर स्कूली बच्चों की जानिब से रैली निकाली गई और अवाम को वोट की अहमियत के मुतल्लिक जानकार बनाया गया। आपको बता दें कि इस रैली के अगराज़ो मकासद के मुतल्लिक जिम्मेदारान ने बताया कि अवाम को जानकार बनाना है ताकि वो वोटिंग वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में घरों से निकले और वोट कास्ट करें। मैंडर से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आपके वोट की बहुत बड़ी वैल्यू है, जो हमारा वोट है कि आने वाले जमाने में जो आगे वाला आने वाला फ्यूचर है। इसलिए मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ और आज के जो ये मोटिव है वो इसी रिलेटेड है कि हम सबको जो है एक अच्छे लीडर को चुनना चाहिए, उसको वोट देना चाहिए जो हमारी सोसाइटी को, हमारे जो समाज को जो है अच्छे से प्रॉपर डेवलपमेंट ला सके। और हमें सबसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हूँ, BSc सेकंड, और यहाँ का आज हमारी रैली का ये मोटिव है कि हम अपना वोट कास्ट करें, अपने सही लीडर को चुनें और अच्छा वोट कास्ट करें। आज की जो रैली है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से लेकर ड्रामा चौक से लेकर मैंडर की मैंडर से होते हुए गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मैंडर में आई। और आप इंडिया की जानिब से ये फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो मनाया जा रहा है और इसका जो मुद्दा है वो स्वीप है, मतलब के सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। चलूँ कि स्वीप एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो ऑल ओवर इंडिया जो है इस वक्त चलाया जा रहा है। तो ये प्रोग्राम 2009 से शुरू हुआ, गर्जो गायब ये थी कि ये देखा गया कि वोटर को अपनी वोट की कीमत का पता नहीं है, उसको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया, तो उसी कड़ी को लेकर आज जो है मैंडर के अंदर ये इन कोलैबोरेशन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग तो इसमें मुंसलिक है ही, तमाम और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, और तमाम बच्चों ने आज इस रैली की ताकत से लोगों को ये मैसेज दिया है कि वो बढ़ चढ़ कर डेमोक्रेसी के अंदर हिस्सा लें। और डेमोक्रेसी तभी मजबूत हो सकती है जब हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। अपने वोट का सही इस्तेमाल करने का मतलब है एक नुमाइंदा जो चुनकर हम भेजेंगे वो ऐसा नुमाइंदा हो जो हमारी नुमाइंदगी अच्छे तरीके से करे, लोगों की जो परेशानियां हैं उसका अजाला करे, और यही तभी मुमकिन है जब लोग जो है बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा लेंगे। तो इन रैलीज का, इन प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करने का मतलब यही है कि हमारा वोटर जो है वो अवेयर हो। ये हमारे इसमें दो किस्म के वोटर हैं, एक वो जो फ्रेश वोटर हैं जिन्होंने 18 साल की एज क्रॉस की है, और ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए भी चलाया जा रहा है, स्कूलों के अंदर ईएससी क्लब बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब, ताकि आने वाला जो हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव वोटर है, जो लाइकली टू बी हमारा वोटर है आने वाले दिनों में, उसको भी इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस की गर्जो गायद का पता हो, घर से ही वो अपने आप को इनरोल कर सकता है एज ए इलेक्टोरल। तो वो ये भी बच्चों को अवेयर करना है हमने, जो हमारे ये फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव वोटर हैं। तो इसमें शुक्र गुजार हैं हम डिप्टी सीओ साहब के, प्रिंसिपल यहाँ के, तमाम फैकल्टी मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेशन के, बीएलओस के और बच्चों के भी, के जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वैसे तो ये इलेक्शन का फेवर चल रहा है, इलेक्शन का दौर चल रहा है, ये हमारी परेशानी हमारी जो है ये जिम्मेवारी भी बनती है कि हम लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर इस जो है पर्व के अंदर हिस्सा लें और जो है जितना हो सके इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करें। हर बशर के पास ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, और 25 जनवरी चूँकि हमारी इलेक्शन की अलेट जो है 25 मई, सारी डेट जो है डेफर हुई थी, तो 25 मई को तमाम लोग जो है बिना मज़ो मिलत जो है अपने वोट का इस्तेमाल करें। थैंक यू।